और इससे अगली हदीस जो सही बुखारी की ही है मैं आपको सुनाने वाला हूं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्या, तकलीद की जड़ें उखाड़ देने वाली हदीस, हदीस का नंबर है 6736 6736 नंबर। इमाम बुखारी अपनी सनद से लेकर आते हैं, हम अल्लाह के फजलो करम से सनद वाले हैं, हम सनद के बगैर बात करते हैं नहीं, हमारा हर मसला सही सनद से साबित है। इमाम बुखारी फरमाते हैं हदसना आदम काला हदसना शोबा तू काला हदसना अबू कईस काला समेत हुज़ैल बिन शुराहबील, हुज़ैल बिन शुराहबील ताबई हैं, कहते हैं सुइला अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अनहु, बड़े जलील कदर से आबी, वो से आबी जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसनद अहमद की हदीस, मोमिनुन मुनीबुन, मोमिन जिनके ईमान की गवाही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान नबूवत से दी है, फरमाया ये मोमिन है और आम मोमिन नहीं, अल्लाह का बड़ा प्यारा मोमिन है, अल्लाह से रुजू करने वाला, अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक रखने वाला मोमिन है ये मेरा अबू मूसा अशरी। ये अबू मूसा अशरी कौन है जो इमामों में से जो अबू मूसा अशरी की शान के बड़ा नहीं बराबर ही हो गई, लाखों दर्जे भी उनके शान के करीब भी फटकता हो, कौन है कोई इमाम? अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह, उनसे सवाल किया गया, वरासत का सवाल हुआ, एक बेटी है एक पोती है और एक बहन है, इन तीनों ये तीनों वारिस हैं, इनमें वरासत तकसीम करनी है, क्या करें? अबू मूसा अशरी कहते हैं लिल बिन्त निस्फ वलिल उख्त निस्फ, सीधा सा मसला है, आधा हिस्सा पूरी जायदाद का आधा हिस्सा बेटी को मिल जाएगा और आधा हिस्सा बहन को मिल जाएगा, पोती को कुछ नहीं मिलेगा, आधा हिस्सा बहन को और आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा। और साथ ही कहते हैं फातिब ने मसूद इन फसा युता भी हो नहीं, जाओ भी मुझसे सवाल किया है ना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अनु, बड़े से आबी है ना, उनसे भी जाकर पूछ लो, वो मेरी मुआफ़कत ही करें, वही फतवा देंगे जो मैं अबू मूसा ने दिया है, जाओ अब्दुल्ला बिन मसूद से भी जाके फतवा ले लो, यही फतवा मिलेगा। फसोइल अबू मसूद वो खुबिरा बिकौली अभी मूसा, सवाल करने वाला अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अनु के पास चला गया। इससे क्या पता चलता है? किसी एक की आंखें बंद करके पैरवी करनी नहीं, नहीं, नहीं। ताबई है, अबू मूसा अशरी जैसा जलील कदर से आती है, उससे फतवा लेने के बाद भी अब्दुल्ला बिन मसूद के पास चला गया कि हो सकता है कि अबू मूसा से बेहतर फतवा मिल जाए, कोई ऐसी बात जो अबू मूसा को मालूम ना हो, हालांकि अबू मूसा पहले खुद कह चुके हैं कि जाओ जाके अब्दुल्ला बिन मसूद से भी पूछ लो, अब्दुल्ला बिन मसूद भी मेरे फतवे के मुताबिक फतवा देंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद के पास चले गए और जाकर बताया कि हमने अबू मूसा अशरी से मसला पूछा है और उन्होंने मसला ये बताया है और साथ में ये कहा है कि जाओ अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछ लो, अब्दुल्ला बिन मसूद भी मेरे वाला फतवा देंगे। फकाल इब्न मसूद ने, अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, सुभान अल्लाह, सोने से लिखने के काबिल है ये अल्फाज, फरमाते हैं लकद ज़ललतु इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन, ओ सवाल करने वाले अबू मूसा का फतवा मेरे पास लेकर आए हो और ये कहते हो कि अबू मूसा ने कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद भी मेरे वाला फतवा दे, कहते हैं अगर मैं अबू मूसा वाला फतवा दे दूं अल्लाह की कसम मैं गुमराह हो जाऊं, मैं हिदायत वालों में से निकल जाऊं। अबू मूसा अशरी कहां, हमारे इमाम कहां? अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अगर मैं अबू मूसा अशरी वाला फतवा दे दूं तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, हिदायत याफ्ता लोगों में से निकल जाऊंगा। अगर आज हम कह दें भाई आप फलां इमाम की तकलीद में ये बात कह रहे हैं ये गुमराही है, हमारे गले पड़ जाएंगे, जी देखो इतने बड़े बड़े इमाम हैं, इतने बड़े बड़े इमामों की बात मानने को आप गुमराही कह रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमा रहे हैं
अगर अबू मूसा के फतवे के मुताबिक मैं भी फतवा दे दूं आंखें बंद करके, कुरान और सुन्नत को दलायल को देखे बगैर, लकद ज़ललतु इज़न, मैं उस वक्त गुमराह हो जाऊंगा, वमा अना मिनल मुहतदी, मैं फिर हिदायत पर रहूंगा नहीं। कहते हैं अक़ज़ी फ़ीहा बिमा कज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू मूसा के फतवे के मुताबिक फतवा नहीं दूंगा, बल्कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक फतवा दूंगा। मुझे नबी की हदीस मालूम है, मैं क्यों अबू मूसा अशरी की बात मानूं? कौन है ऐसा गैरतमंद मुसलमान जो अपने मौलवी साहब को जाके अदब और एहतराम से कहे मेरे पास बुखारी की हदीस मौजूद है, मैं फिका हनफी को मान सकता? इमाम अबू हनीफा की बुखारी के खिलाफ हदीस के खिलाफ बात को नहीं मान सकता। मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के कौल को हदीस के खिलाफ नहीं मान सकता। मैं इमाम मालिक बिन अनस के कौल को, फतवे को, उनकी फिका को हदीस के खिलाफ नहीं मान सकता। मैं इमाम शाफी की बात को हदीस के खिलाफ नहीं मान सकता। ऐलान करो मेरे पास नबी की हदीस है, मैं किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ये अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह, और जब जाकर अबू मूसा को बता, अच्छा फतवा उन्होंने क्या दिया? उन्होंने फतवा दिया कि लिबनति निस्फो वलिबनति इब्न असुदुसु तक मिला था सुलुसैन वमा बाकी अफली उख्ती। फरमाते हैं कि आधा हिस्सा बेटी को मिलेगा, छठा हिस्सा पोती को मिलेगा, जो बाकी बच गया जितना भी आधा और छठा हिस्सा देने के बाद वो सारा का सारा बहन को चला जाए। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा ये है, आपकी हदीस ये है, मैं अबू मूसा के फतवे को छोड़ता हूँ, रद्द करता हूँ, मैं गुमराह नहीं होना चाहता। क्या ख्याल है अगर वो कहे कि मैं तो हनफी हूँ, भाई हदीसें ठीक है लेकिन मुझे ना सुनाओ, मैं हनफी हूँ, मैं तो फिका हनफी का पैरोकार, मैं तो इमाम अबू हनीफा की बात मानता हूँ, मैं तो मालिकी शाफी हम्बली हूँ, क्या ख्याल है फिर, क्या गुमराह होगा या नहीं होगा? हमारा फतवा नहीं अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का। और जाकर अबू मूसा अशरी को बताया, और तुम आप कहते थे ना भाई अब्दुल्ला बिन मसूद भी वही फतवा देंगे, उन्होंने तो आगे से ये बात बताई है। कहते हैं ला तसअलूनी मा दामा हाज़ल हब्रु फीकुम, और लोगों जब तक अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे आलिम तुम्हारे पास है मुझसे पूछो ही ना। अब्दुल्ला बिन मसूद बड़े आलिम हैं, लेकिन क्या ख्याल है कि अब्दुल्ला बिन मसूद की हर बात फिर आंखें बंद करके माननी है? सही मुस्लिम उठाओ, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु रुकू में अपने दोनों हाथों को जोड़कर घुटनों के दरमियान में रखते थे। क्या करते थे? अबू मूसा अशरी जिसके बारे में कह रहे हैं कि लोगों जब तक अब्दुल्ला बिन मसूद मौजूद हैं मुझसे सवाल करने की जरूरत है, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद बड़े आलिम हैं। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु की बात आंखें बंद करके मानी जाए? सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम अपनी सनद से लेकर आए, अब्दुल्ला बिन मसूद अपने हाथों को इस तरह बंद करके अपने घुटनों के दरमियान में रखते थे, हम क्या करते रुकू में घुटनों के ऊपर रखते हैं हाथों को, अब्दुल्ला बिन मसूद बाकी सहाबा भी घुटनों के ऊपर रखते थे। लेकिन पुराना मसला यह था अब्दुल्ला बिन मसूद उसी पे कायम रहे, उनको हदीस नहीं पहुंच सके या उस हदीस को वो समझ नहीं सके, वो उसी तरह घुटनों के दरमियान अपने हाथों को जोड़कर रखते थे। तो क्या कोई आज से आदी रसूल की इस बात को आंखें बंद करके मानता है? नहीं। जब अबू मूसा अशरी की नहीं मानी जाएगी, अब्दुल्ला बिन मसूद की नहीं मानी जाएगी, अली बिन अबी तालिब की नहीं मानी जाएगी, फिर कौन है? कौन है जिसको हम इमाम बना के हम कहते हैं कि हम कुरान और सुन्नत को नहीं मानेंगे, बस एक बंदे की हर बात को माने? ये किताब और सुन्नत की दावत नहीं है।